गाइस, मेरा नाम हर्ष है। आज मैं नंबर 9 का स्टार्ट करने वाला हूँ। नाम है सिक्वेंशियल सर्किट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो उसमें लिखते क्या क्या है, ठीक है। अगर भाइयों अगर मेरी लेक्चर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने यार व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए जो भी हमारे जूनियर सीनियर हों ESE से रिलेटेड या जिसमें ये सब्जेक्ट हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो भी जो उनसी ब्रांच में, ठीक है, IT वगैरह CS, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फ्लिप फ्लॉप क्या है वो देखो। फ्लिप फ्लॉप इज अ बेसिक मेमोरी एलिमेंट। इट कैन स्टोर 1 बिट इंफॉर्मेशन। क्या करता है, 1 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और इसमें दो आउटपुट होते हैं, दो जो आपस में क्या होते हैं, हमेशा कंप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। इसमें दो स्टेट होते हैं जो कि क्या होते हैं, बाई स्टेबल मल्टीमीटर की तरह काम करते हैं, ठीक है। और इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है फ्लिप फ्लॉप का, उसे क्या कहते हैं, लैच कहते हैं। वो बनता है कैसे, कंस्ट्रक्ट विद द 2 क्रॉस कपल नैंड गेट से बनता है या फिर नॉर गेट से बनता है, ठीक, समझ आया। आगे ट्रिगरिंग क्या भैया, ट्रिगरिंग 2 टाइप की होती है, कौन सी होती है, एक होती है लेवल ट्रिगर, एक होती है एज ट्रिगर। लेवल ट्रिगर क्या होता है, जिसमें क्या लिखा है, इनपुट सिग्नल अफेक्टेड द फ्लिप फ्लॉप ओनली व्हेन द क्लॉक इज एट logic 1 और logic 0। लेवल ट्रिगर क्या होती है, हमसे लेवल ट्रिगर होती है। अगर पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है तो पॉजिटिव पर ट्रिगर्ड होगा, नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड है तो नेगेटिव। ये लेवल होते हैं, क्या होते हैं, ये लेवल होते हैं, क्या ये नेगेटिव लेवल पर क्या होंगे, ट्रिगर्ड होंगे, समझ में आ रहा। अब आता है एज ट्रिगर्ड क्या होती है, एज ट्रिगर्ड जो पढ़ो के लिखा है, इनपुट सिग्नल अफेक्ट द फ्लिप फ्लॉप ओनली इफ दे आर प्रेजेंट एट द पॉजिटिव और नेगेटिव गोइंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स की पॉजिटिव एज, जो सिग्नल नेगेटिव से पॉजिटिव आता है तो उस पर जो एज आती है उसे बोलते हैं पॉजिटिव एज, जो पॉजिटिव से नेगेटिव पे आता है उसे बोलते हैं नेगेटिव एज। तो ये होता है पॉजिटिव एज, मतलब यहाँ अगर तुम्हारा सिग्नल और तुम्हारा अगर फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो ट्रिगर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। अगर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो यहाँ पर होगा, जो पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है, ठीक है, मतलब हाई लेवल से नीचे लो लेवल जा रही है और यहाँ पर नेगेटिव ट्रिगर्ड आई समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो सेटअप टाइम क्या होता है, इट इज मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कीप इनपुट एट प्रॉपर लेवल बिफोर अप्लाइंग क्लॉक, ठीक है ना। सीधे होल्ड टाइम क्या होता है, होल्ड टाइम इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कीप इनपुट एट सेम लेवल आफ्टर अप्लाइंग क्लॉक। मतलब क्या होता है, जो मिनिमम टाइम होता है इसके लिए, जब हम इनपुट को क्या सेम लेवल पर रखें जब तक कि उस पर क्लॉक पल्स ना दी जाए, अप्लाई ना की जाए, ठीक है। ये तो क्लॉक वो एस फ्लिप फ्लॉप क्या, एस फ्लिप फ्लॉप का फिगर ये है, एस आर ये तुम्हारी क्लॉक जा रही है, इस पर एंड गेट, ठीक है, और गेट क्या है, ये और गेट है, नॉर गेट है, तो वो ये आपस में कनेक्ट होंगे, ऐसा फिगर बनता है तुम्हारा किसका, एस आर फ्लिप फ्लॉप का। इसी टेबल देखो कैसे बन जाएगी, टेबल देखो कैसे बन जाएगी, जब तक तुम्हारी क्लॉक 0 है, ठीक है, जब तुम्हारी क्लॉक 0 है तुम कुछ भी इनपुट देते रहो तुम्हारा जो नेक्स्ट आउटपुट होगा क्या होगा, प्रीवियस आउटपुट बराबर होगा, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लेवल होगा, प्रीवियस लेवल जो होगा उसे सेम रहता है, चेंज नहीं करता तुम, क्या क्लॉक जब तक 0 है इनपुट कुछ भी देते रहो, ठीक है। जब क्लॉक बंद हो जाता है तब देखो क्या होता है, जब क्लॉक हमारी बंद हो जाती है तब एस 0 है, आर 0 है, मतलब एस आर दोनों 0 है, तो तुम्हारा जो नेक्स्ट लेवल होगा तो प्रीवियस लेवल होगा, उसे क्या होता है, होल्ड स्टेट बोलते हैं। क्या होता है, जो QN प्लस वन होगा QN के बराबर, उसे बोलते हैं होल्ड स्टेट। अगर 0 1 है तो 0, 1 0 है तो 1 1 1 है तो इनवैलिड स्टेट, ठीक है। जो इसे बोलते हैं रीसेट, इसे सेट और इसे फॉरगॉट। इसको याद कैसे करना है, अगर जो वैल्यू है वही जो वैल्यू पहले थी वही अगले में मिल रही है तो होता है होल्ड, मतलब उस चीज़ को होल्ड कर रखा है, ठीक है। अगर कहीं पर भी 0 आ जाए, अगर 0 आ जाए तो हमेशा वो कौन सी होगी, रीसेट स्टेट होगी। 1 हो जाए तो हमेशा सैड स्टेट होगी, ठीक है।
ठीक है ना, इनवैलिड फॉर्मूला में लिखा हुआ है, सुनना है। जीरो जीरो क्यू एन, तो अब ये क्यू एन कहाँ से है, जीरो जीरो क्यू एन ये पता पड़ेगा। अब एस वाला कॉपी कर दो पूरा, ये एस जीरो है तो जीरो होगा, नेक्स्ट लेवल आउटपुट कितना होगा, जीरो होगा, वन है यहाँ पर तो ये वन होगा, वन वन पर इनवैलिड से गया रेफरेंस को, ठीक है। अब देखो इस ट्रुथ टेबल से कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बनाया गया है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बनाते हैं, हम एस आर लेते हैं जो इनपुट देते हैं, और क्यू एन प्रीवियस जो आउटपुट होता है उसको लेते हैं, और हमको नेक्स्ट आउटपुट निकालना होता है कि क्या होगा, क्यू एन प्लस वन है, तो उसको चेंज कर दो, जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो 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 वन वन वन, ठीक है। देखना देखो इससे ये बनता है, देखो जीरो जीरो पर जो क्यू एन था वही मिला आउटपुट पर, जो मतलब जीरो जीरो पर जो नेक्स्ट लेवल है क्या क्यू एन के बराबर है, तो जीरो जीरो पर हमारा जो क्यू एन प्लस है वो क्यू एन के बराबर होगा, तो जीरो है तो ये भी जीरो होगा, ये वन है तो वन होगा, ठीक है। जीरो वन पर हमेशा जीरो दे रहा है, ये क्या दे रहा है, जीरो, मतलब जीरो वन में क्या देगा, हमेशा जीरो जीरो देगा, वन जीरो पर वन दे रहा है मतलब वन जीरो और वन जीरो क्या देगा, हमेशा वन वन देगा, क्यू एन कुछ भी हो, ठीक है। अब वन वन पर इनवैलिड स्टेट, मतलब वन वन पर क्या देगा, डोंट केयर देगा, मतलब इनवैलिड स्टेट देगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर वन वन है, ठीक है। अब इस करेक्टरिस्टिक स्टेट टेबल से अब निकाल लेंगे एक्साइटेशन टेबल, ठीक है, समझ रहा है। एक्साइटेशन टेबल कैसे निकालेंगे, निकालना सीखो आप सब समझा देंगे। तो एक्साइटेशन निकालते कैसे, हम क्यू एन क्यू एन प्लस यहाँ लेते हैं और एस आर निकालते हैं, ठीक है। इसके हिसाब इसकी सहायता से इसकी हेल्प से ये निकालेंगे, दो पहले तो इसको लिख लो जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो वन वन, ठीक है। अब दोनों जीरो जीरो है, क्या जीरो जीरो कहाँ पर है, जीरो जीरो यहाँ पर है और यहाँ पर, और कहीं नहीं है, तो जीरो जीरो में जीरो जीरो में देखो एस जीरो है लेकिन आर वेरी कर रहा है, एस जीरो है आर वेरी कर रहा है, तो एस को जीरो लिख देंगे, आर को डोंट केयर लिख देंगे, आर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, समझ रहा है। अब जीरो वन देखो जीरो वन कहाँ पर है, जीरो वन यहाँ पर और कहीं नहीं है, जीरो वन पर एस जीरो एस वन है और आर जीरो है, जीरो वन पर एस वन है और आर कितना है, जीरो है, ठीक। अब वन जीरो पर देखो, वन जीरो कहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर है, वन जीरो पर एस जीरो है आर वन है, वन जीरो पर एस जीरो आर वन है, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है। हाँ अब वन वन पर देखो, वन वन और वन वन, चलो वन वन और वन वन, वन वन एस जीरो है, देखो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एस चेंज हो रहा है, आर सेम है, आर कितना जीरो है, तो जो चेंज हो रहा है उसको डोंट केयर लिख देते हैं, जो सेम है उसको जीरो कर देते हैं, क्या जीरो है, ठीक है। तो एक्साइटेशन टेबल समझ में आ गई, समझ आएगी नहीं। अब बोलोगे सर ये कैसे बने, करेक्टरिस्टिक कैसे बनाते हैं, इसी करेक्टरिस्टिक टेबल से ये है क्या, क्यू एन प्लस वन का है, तो क्यू एन प्लस वन देखो कहाँ कहाँ है, एक तो वन पर है, दो सॉरी वन पर है, टू थ्री फोर पर है, फिफ्थ पर है और यहाँ सिक्स सेवन पर डोंट केयर है, तो इस पर देखो पहले हम बनाएंगे के मैप, के मैप का ये जीरो होता है, वन पर वन है, टू थ्री पर जीरो जीरो है, जीरो जीरो, फोर फाइव पर वन वन है और सिक्स सेवन पर डोंट केयर है, तो इसका दो के मैप सोल्व करो, उसको देखो एक ये बन रहा है, तो इसको क्या लिख दोगे, आर बार क्यू एन, आर बार क्यू एन, ठीक है। और एक तुम्हारा ये बन रहा है, ठीक है, तो इसको क्या लिख दो, एस लिख दो, ठीक है। ये तुम निकालना सीखो, याद कर लो, करेक्टरिस्टिक क्या होती है, एस प्लस आर बार क्यू एन, क्या होती है, एस प्लस आर बार क्यू एन, मैं एक ही का बता रहा हूँ, बाकी अब छोड़ दूंगा, अपने करते हैं घर से, कुछ तो करो यार। आप देखो स्टेट डायग्राम कैसे बनता है, किसी भी फ्लो ग्राफ का स्टेट डायग्राम कैसे बनता है, वो भी स्टेट डायग्राम कैसे बनता है, देखो जब हम जीरो से जीरो ही पे रहते हैं, क्या एक्साइटेशन टेबल से बना ये स्टेट डायग्राम, जब जीरो से जीरो ही पे रहें, मतलब जीरो से जीरो पर रहें, तो एस कितना है, जीरो है और कितना है, डोंट केयर है, समझ रहा है। अगर जीरो से वन पे गए, जीरो से वन पे गए, जीरो से वन पे गए, तो तुम्हारी क्या है, एस वन है आर जीरो है, ठीक है। अब वन से जीरो गए तो कितना, वन से जीरो गए तो एस जीरो है आर वन है, समझ में आ रहा है ना। अगर वन से वन ही रहे, क्या
क्या, वन से वन ही मिटाए, वन से वन ही मिटाए। ये कौन सी है, एस डोंट केयर है, आर जीरो है, एस डोंट केयर है और आर जीरो, सॉरी यार गलती हो गई, आर जीरो। मैंने कैसे बोलना, खुद बनाना सीखो। अब आते हैं जेके फ्लो का, ठीक है। एक देख लो इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ एस आर फ्लो इज इनवैलिड स्टेट। इसमें क्या होती है, इनवैलिड स्टेट होती है, फॉर्डुलेंट स्टेट होती है। तो और क्या लिखा है, विल प्रेजेंट व्हेन बोथ इनपुट आर वन, मतलब वन वन, दोनों इनपुट वन वन होते हैं या फिर हाई होते हैं। टू अवॉइड दिस जे के फ्लिप फ्लॉप, इसको अवॉइड करने के लिए क्या यूज करते हैं, जे के फ्लॉप का यूज करते हैं। जे के फ्लॉप क्या भैया देख लेते हैं, ये जे के फ्लॉप है, इसका ये फिगर है, ठीक है। मतलब इसका फिगर क्या है, ये तो ऐसा फ्लॉप है, इसका क्यू एन बार इससे करेक्ट है, उसका क्यू एन इससे कनेक्ट है और जे के दे दिया। जो एस होता है, अगर रिलेशन आ जाए एस फ्लॉप फ्लॉप जे के फ्लॉप फ्लॉप क्या सिमेट्री है, जो एस इक्वल टू जे क्यू आर, एस इक्वल टू जे क्यू आर और आर इक्वल टू के क्यू, समझ आ रहा है। एक लाइन लिखा हुआ पहले का, जे के फ्लॉप फ्लॉप इज कॉल्ड यूनिवर्सल फ्लॉप फ्लॉप। जे के फ्लॉप क्या है, यूनिवर्सल फ्लॉप फ्लॉप बिकॉज द फ्लॉप फ्लॉप लाइक डी एस आर एंड टी कैन बी ड्राइव फ्रॉम इट। इससे हम कोई भी फ्लॉप फ्लॉप ड्राइव कर सकते हैं, चाहे डी फ्लॉप फ्लॉप हो, चाहे एस आर फ्लॉप फ्लॉप हो, चाहे टी फ्लॉप फ्लॉप हो, कोई भी फ्लॉप फ्लॉप हो, ठीक है। उसकी चौथे प्रक्रिया, जब हमारा क्लॉक जीरो होगा, अगर हम जे के कुछ भी दें तो जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो प्रीवियस स्टेट के बराबर होगी, ठीक है ना। क्यू एन ही होगा, नेक्स्ट स्टेट होगा क्यू एन होगा। अगर क्लॉक को वन देते हैं तो देखो क्या होता है, जो जी दो जो एस आर की थी वो जे के क्या सिमिट्री क्या लग है, पूरा सेम है, बस यहाँ पर इनवैलिड स्टेट थी, तो ये क्या होगा, टॉगल स्टेट होगा, मतलब क्यू एन बार हो गए, बाकी सब सेम। देखो जीरो जीरो पर क्यू एन था, वहाँ पर भी क्यू एन, जीरो वन पर जीरो था, वन जीरो पर वन था और वन वन पर वहाँ इनवैलिड थी, यहाँ पर क्या टॉगल स्टेट है, मतलब क्यू एन बार आ गया, ठीक है ना। इतना ये तो होल्ड था, पहले भी देखा था, रीसेट पहले भी देखा था, सेट कटिंग था, बस यहाँ पर फॉरवर्डिंग ये क्या हो जाएगा, टॉगल स्टेट आ जाएगी, ठीक है। हम इससे ये बनाना सीख जाओ और सिखाएं, ठीक। तो इसको कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होती है, जे के क्यू एन को एज इनपुट लेते हैं और क्यू एन प्लस वन को क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। तो कैसे इससे ये बनता है, देखो जे के जीरो जीरो है तो क्यू एन आता है, ये तो लिखे लोगे, जे के जीरो जीरो है तो क्यू एन आएगा, जीरो का जीरो वन का वन, जीरो वन पर जीरो रहेगा, जीरो वन पर जीरो रहेगा, वन जीरो पर वन रहेगा, वन जीरो पर पूरे में क्या रहेगा, वन वन रहेगा। अब वन वन पर क्यू एन बार हो जाएगा, वन वन पर जीरो का वन हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा, समझ आ रहा है। ये क्यू एन ये जीरो है, वन क्यू एन बार है, ठीक है। अब इससे ये बना है, इससे कैसे बना है, एक्साइटेशन टेबल कैसे बनती है, हम इनपुट को क्यू एन, क्यू एन प्लस वन लेते हैं, आउटपुट में जे के लेते हैं, क्या लेते हैं, जे के लेते हैं। बनाओ कैसे, जब जीरो 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 कहाँ पर है, एक यहाँ पर जीरो, एक यहाँ पर जीरो, इसमें देखो क्या क्या कुछ वेरी कर, हाँ इसमें जे जीरो है, के वेरी कर रहा है, तो जे को जीरो कर देंगे, के को डोंट केयर कर देंगे, ठीक है। अब जीरो जीरो सॉरी जीरो वन कहाँ पर है, जीरो वन एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इन दोनों में देखो क्या वेरी कर रहे हैं, इन दोनों में जे वन है, के यहाँ पर जीरो, यहाँ पर के वन, इसको क्यू करना डॉट क्या करते हैं, और जे को वन ही रख रहे हैं, ठीक है। वन जीरो पर देखो क्या है, वन जीरो एक ये और एक वन जीरो ये है, तो वन जीरो पर क्या वेरी कर रहा है, के वन है और जे जी वेरी कर रहा है, तो जे डॉट केयर हो जाएगा, के वन हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। वन वन पर देखो कहाँ पर है, वन वन एक ये, वन वन ये, तो यहाँ पर दोनों जीरो जीरो, यहाँ पर वन जीरो है, तो ये वेरी कर रहा है, तो ये डॉट केयर हो जाएगा, के जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्साइटेशन टेबल बाद में रेडवा देंगे कैसे करना, ठीक है, ये तो देख लो कैसे बनाते हैं। अब ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता पड़ेगी, इसका डोंट केयर बनाओगे, इसको इसको सॉल्व करोगे, तो ये कह रहे हैं के के बार क्यू आर, के बार क्यू आर, और इन दोनों को एक पेयर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, जे क्यू बार, क्यू एन बार,
जी के मैप समझ में आ गया होगा कैसे करके नहीं करना होगा तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा के मैप के कम से कम 6-7 तो सॉल्व में आ जाएगा। ठीक है सब ये देख लो ठीक इसका जो करेक्ट है इसे याद कर लो डायरेक्ट अच्छी होती है एग्जाम में क्यू एन प्लस इक्वल टू होती है जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। ठीक है आप देखो इसमें क्या होती है ए सराउंड कंडीशन होती है एस अराउंड कंडीशन कब अकर होती है कब अकर होती है जे के दोनों वन वन हो क्या जे के दोनों वन वन हो और जो फ्लिप फ्लॉप का टाइम पीरियड है प्रोपोगेशन डिले है किसका फ्लिप फ्लॉप का वो क्लॉक के प्रोपोगेशन डिले के से कम होगा तब रेस राउंड कंडीशन हमारी सो होगी या फिर हमारा उसके साथ साथ क्या हमारा जो फ्लिप फ्लॉप होगा क्या होना चाहिए लेवल ट्रिगर्ड तो हमारी ये रेस राउंड कंडीशन है मतलब अगर फॉर एग्जांपल फॉर एग्जाम्पल कि हमारा क्लॉक पल्स जाता है फ्लिप फ्लॉप के ठीक है ये हमारे किसका क्लॉक पल्स का क्लॉक पल्स का है और ये हमारा जो हमारा आउटपुट है वो हमारा इनपुट है क्या इनपुट है इनपुट इनपुट है तो जब इस पर अगर लेवल ट्रिगर्ड है तो इस पर क्या करेगा ऐसे ऐसे वेरी कर देगा। ठीक है इसको हटाने के लिए इसको हम क्या कहते हैं रेस राउंड कंडीशन इसको हटाने के लिए क्या यूज़ करेंगे इसको हटाने के लिए हम यूज करेंगे जो क्लॉक पल्स का जो हमारा टाइम पीरियड है वो सबसे कम होना चाहिए किस किस से कम होना चाहिए एक तो फ्लिप फ्लॉप के टाइम पीरियड से या प्रोपोगेशन डिले से और टोटल टाइम डिले से मतलब अगर हम क्लॉक पल्स को की वर्ड्स छोटी कर दें और इनपुट जो हम दे रहे हैं उसकी वर्ड्स बड़ी कर दें ठीक है तो खुद लेवल ट्रिगर्ड हो क्या बोला मैंने लेवल ट्रिगर्ड हो तो रेस अराउंड कंडीशन कभी भी क्या अकर नहीं करेगी। ठीक है रेस अराउंड कंडीशन अवॉइड करने के लिए एक और मेथड है इसको लेवल ट्रिगर्ड ना लेके एज ट्रिगर्ड लेवल इसमें लिखा है रेस अराउंड कंडीशन डज नॉट अकर एज एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप मतलब एज ट्रिगर्ड में फ्लिप फ्लॉप रेस अराउंड कंडीशन को सॉल्व करेगा। दूसरा क्या है टू रिवर्ट एक होता है मास्टर स्लिप जी के फ्लिप फ्लॉप ये क्या होता है ये भी क्या करता है रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड करता है टू अवॉइड रेस अराउंड कंडीशन मास्टर स्लिप फ्लिप फ्लॉप यूज इसमें क्या होता है दो जी के फ्लिप फ्लॉप होते हैं क्लॉक पल्स एक डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं एक इन्वर्ट करके कनेक्ट करते हैं मतलब जब तक क्लॉक वन है तो ये एक्टिव होगा जब ये जीरो हो जाएगा तो ये फ्लॉप फ्लॉप बंद हो जाएगा ये एक्टिव हो जाएगा समझे ऑफ हो जाएगा ये एक्टिव हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगी हमारी सराउंड कंडीशन खत्म हो जाएगी इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा इससे। ठीक है एक होता है फ्लिप फ्लॉप ठीक है डी फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है अगर एस आर फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं तो एस डायरेक्ट डी से कनेक्ट होगा और आर डी के बार से मतलब नॉट गेट है तो आर क्या होगा डी बार के बराबर होगा यहाँ पर जे के फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं तो उसमें भी जो जे है वो डी से कनेक्ट होगा जो आर के है वो डी के बार से कनेक्ट होगा मतलब नॉट गेट यूज करें डी के बार से कनेक्ट होगा तो जे इक्वल टू डी के इक्वल टू डी बार यहाँ पर भी एस इक्वल टू डी आर इक्वल टू डी बार एस आर फ्लिप फ्लॉप है जे के फ्लिप फ्लॉप है जब तक क्लॉक जीरो है इनपुट कुछ भी हो हमेशा आउटपुट क्या होगा क्यू एन आएगा। ठीक है जब क्लॉक वन हो जाए जो डी है वही आउटपुट भी देगा मतलब अगर डी जीरो है तो आउटपुट भी जीरो होगा मतलब डी वन है तो आउटपुट भी वन होगा कब जब क्लॉक वन हो जीरो पर कुछ भी तो हमेशा क्यू एन रहेगा। ठीक है आप देखते हैं करेक्टेस्ट टेबल कैसे बनेगी करेक्टेस्ट टेबल दे लेते हैं इनपुट लेते हैं क्यू एन लेते हैं और क्यू एन प्लस वन लेते हैं तो देखो जब हमारा डी जीरो है क्या जब डी जीरो है क्यू एन कुछ भी ले लो तो आउटपुट क्या आएगा जीरो ही आएगा जब डी वन है आउटपुट कुछ भी ले लो सॉरी प्रीवियस आउटपुट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा जो आउटपुट है वो क्यू नेक्स्ट स्टेट होगी क्या होगी वन वन ही होगी। ठीक इससे क्या पता पड़ता है जो हमारे कैरेक्टर स्टेट होती है क्या होती है क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी सेम ही रहा है क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी। ठीक
कुछ पॉइंट दे रखा क्या रहेगा, इट आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज ट्रांसपेरेंट लाइन, इसको क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट, जो इनपुट होता है वही आउटपुट दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंस लेस बिकॉज ऑफ क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी के, क्यू में इक्वल एन प्लस वन की जो नेक्स्ट स्टेट है वो डी के बराबर है, इनपुट के बराबर है, ठीक है। अब आती है टॉगल फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप में लिख लो कहेंगे डी टी फ्लिप फ्लॉप या टॉगल फ्लिप फ्लॉप, डी टी फ्लिप फ्लॉप ये आसी। तो गाइस अगला आता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, दी टी फ्लिप फ्लॉप इज अ सिग्नल इनपुट वर्जन ऑफ दी जे के फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टी फ्लिप फ्लॉप कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम जे के फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप क्या सर, जे के फ्लिप फ्लॉप से ऑब्टेन हो सकता है इफ जे एंड के आर टाइट टुगेदर, तो ये दोनों क्या हो टाइट टुगेदर एज इन द फिगर सोन, जो इस फिगर में मतलब टाइट टुगेदर मतलब क्या है, जो जे पे इनपुट जा रहा है वही के इनपुट जा रहा है, स्टाइट वगैरह मतलब क्या है, जो जे पे इनपुट जा रहा है वही के इनपुट जाए, सेम इनपुट होना चाहिए, तो उसको क्या है टाइट वगैरह, समझा ना। क्या अगला पॉइंट है दी डेजिग्नेशन टी कम फ्रॉम दी एबिलिटी ऑफ द फ्लिप फ्लॉप टू टॉगल और चेंज स्टेट, जो हमारी टी वन वन होगा, सॉरी जी के फ्लिप फ्लॉप था क्या वन वन थी टॉगल स्टेट थी, टॉगल स्टेट है टॉगल फ्लिप फ्लॉप सेम होता है, क्या होता है टी को वन देंगे हम दोनों पर तो क्या हो जाती है सेम आउटपुट प्रोवाइड कराता है, क्यू एन को क्यू एन बार में चेंज कर देता है, ठीक है। तो इसका जो फ्लिप फ्लॉप होगा एक तो इसका जो फिगर ये है दूसरा फिगर ये है, ये टी फ्लिप फ्लॉप बना है आई यूजिंग जे के फ्लिप फ्लॉप, तो क्या हो जाएगा जे इक्वल टू के इक्वल टू जब क्लॉक जीरो होगी तो इनपुट कुछ भी तो आउटपुट रहेगा, अगर क्लॉक वन है ठीक है ना, तो टी को जीरो या वन देते हैं तो हमारी जो क्यू एन है जीरो पर क्यू एन रहेगा मतलब होल्ड स्टेट पर रहेगी और वन पर टॉगल हो जाएगी, टॉगल होगा क्यू एन बार हो जाएगा, क्या बोला मैंने टी जब जीरो है तब क्यू एन मतलब नेक्स्ट स्टेट क्यू एन बराबर होगी, प्रीवियस स्टेट के बराबर होगी, अब होल्ड स्टेट बोलते हैं, जब टी को वन देंगे तो क्या हो जाएगा टॉगल हो जाएगा मतलब क्यू एन बार हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेट हो क्यू एन बार हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट को देख लो इनपुट में क्यू टी ले लिया क्यू एन ले लिया आउटपुट में क्यू एन प्लस वन लिया, तो बनते कैसे जब टी जीरो है तो हमारा नेक्स्ट स्टेट या क्यू एन के बराबर होगा, तो जब टी जीरो है जो क्यू एन होगा वही क्यू एन प्लस वन होगा, ठीक है। लेकिन जब टी वन है तो क्या क्यू एन वन मतलब टॉगल हो जा रहा है, जब टी वन है तो टॉगल हो जा रहा है मतलब जीरो का वन वन का जीरो हो जा रहा है, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी इसी से बनती है, क्या हो जाएगा जब टी एक डिलीवरी का जो है जीरो जीरो का जीरो वन वन पे जीरो बाकी दोनों को बढ़िया, ठीक है। टी एक्सोर क्यू एन टी एक्सोर क्यू एन याद रहेगा कुछ करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन दे रखी है, एस आर फ्लिप फ्लॉप है और एस आर का यूज करके जे के फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो क्या बनेगा जे एस इक्वल टू जे क्यू एन बार आर इक्वल टू के क्यू एन, ठीक है। अगर एस आर का यूज करके टी डी फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो एस डी से कनेक्ट होगा आर डी बार से कनेक्ट होगा, ठीक है। एस आर का यूज करके टी बनाना है तो जो एस इनपुट होगा किससे कनेक्ट होगा टी क्यू एन वर से और आर टी क्यू एन से, ठीक है। अगर जे के फ्लिप फ्लॉप से अगर एस आर फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए क्या एस जे इक्वल टू एस के इक्वल टू आर सेम रहेगा, अगर डी बनाना है तो जे डी से के डी वर से, अगर जे फ्लिप फ्लॉप से टी फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो हेल्प से टी फ्लिप फ्लॉप बनाना है जे इक्वल टू के इक्वल टू टी जे के टाइट टुगेदर को बढ़ाएं जस्ट अभी बढ़ाएं, ठीक है। अगर डी फ्लिप फ्लॉप से एस आर बनाना है तो डी को हम कनेक्ट करेंगे एस प्लस आर बार क्यू एन से, क्या एस प्लस आर बार क्यू एन से। अगर डी का यूज करके जे के बनाना है तो डी को कनेक्ट करेंगे जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन से, अगर डी का यूज करके टी टी फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो डी को कनेक्ट करेंगे हम किससे टी एक्सोर क्यू एन से,
ऐसे टी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके एस आर बनाना है, तो टी को कनेक्ट करेंगे एस क्यू एन बार प्लस आर क्यू एन, ठीक है। टी का यूज करके जे के फ्लॉप बनाना है, तो टी को कनेक्ट करेंगे जे क्यू एन प्लस के क्यू एन बार, सॉरी जे क्यू एन बार प्लस के क्यू एन, ठीक है। अगर जी का यूज करके डी बनाना है तो डी एक्सोर क्यू एन, ठीक है। उसको माइंड में ऐसे ले लो, बहुत कम आते हैं देख लेना एक बार, ठीक है। एक्साइटेशन लेवल क्या होता है, पेंडम लेवल, सॉरी एक्साइटेशन लेवल कैसे देखते हैं, देखो रट जाइए कुछ नहीं, बहुत आसान है। 0 0 0 1 1 0 1 1 पर तो ऐसा इनपुट कैसे होगा, 0 1 0 एक्सोर, इसका उल्टा कर दो 0 1 0 एक्सोर, क्या बोल रहे हैं इतना बस मैं रखो 0 1 0 एक्सोर, ऐसे क्या हो जाएगा 0 1 0 एक्सोर, ठीक। ऐसे जेके में 0 1 डोंट केयर डोंट केयर, एक्सोर नहीं सो डोंट केयर, तो 0 1 डोंट केयर डोंट केयर, 0 1 डोंट केयर डोंट केयर, ठीक। डी डी एन क्या हो जाएगा, जो डी प्लस क्या होता है क्यू एन प्लस वन के बराबर होता है, जो क्यू एन होगा वही हमारा ये होगा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन टी क्या होता है, एक्सोर होता है, मतलब पहले जीरो होगा फिर जीरो होगा, पहले जीरो होगा लास्ट में जीरो होगा, बाकी दोनों वन वन होगा, एक्सोर, ठीक है ना।